विधानसभा के घेराव के लिए स्वयं समाज के लोग जैसे ही ऊना कांगड़ा के बॉर्डर एरिया भनवाई में पहुंचे तो एसपी ऊना प्रवीण धीमान के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा भनवाई थाने के सामने बैरिगेटिंग लगाकर स्वर्ण आंदोलन में जा रही गाड़ियों को रोका गया। आंदोलन में जा रहे सिरमौर जिला के राजगढ़ से राजेश ठाकुर ने बताया कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए धर्मशाला विधानसभा की ओर जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बाहरी राज्यों की गाड़ियां तो जाने दी, परंतु हिमाचल नंबर की गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। अगर सरकार द्वारा ऐसे ही हमारे आंदोलन को रोका जाएगा तो स्वर्ण आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह उग्र होने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। स्वर्ण एकता के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार का घेराव करने जा रही हैं, लेकिन पुलिस जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने स्वर्ण एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नमस्कार जी, मैं रजनीश ठाकुर राजगढ़ से मौसे हूँ। हम कल सुबह से अपने घर से चले हैं बिना खाए पिए, और रात को भी हम चले हुए हैं। यहाँ पहुँचे हम ज्वाला जी के पास तो इन्होंने पुलिस और हमारे को रोक लिया, बोलते आप आगे नहीं जा सकते। हमने बोला हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने। फिर तो दूसरी गाड़ी आ रही, उनको जाने दे रहे। पंजाब की गाड़ियाँ जा रही, चंडीगढ़ की गाड़ियाँ जा रही, हिमाचल की गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे। हमारे हमने बोला कि क्यों नहीं जाने दे रहे, ये बोलते कुछ कारण होगा तभी नहीं जाने दे रहे। तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसके लिए जिम्मेवार होगा, अगर इस तरह से परेशान करेंगे तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए। क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है इसमें सरकार का जी बिल्कुल सही बात है। सरकार की वजह से तो 50 पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं। यदि सरकार का हाथ नहीं होता तो इन्हें थोड़ी आना था। जयराम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पुलिस की बैरिकेडिंग चाहे जितनी मर्जी हो आप हम जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो है इन्हीं सरकार को बनाते हैं। हर अपराध धरनाबाज जी का हम अपना हक अच्छे तरीके से मांगना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से। जाने नहीं दिए हमारे पास होगा, हम रास्ते में जा रहे हैं, उनके पैसे हम मर जाएंगे। हमारे ऊपर लाठी चलाए जो मर्जी कर, हम नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे। बस चुनाव ऐसा है, सरकार तो वैसे भी मार रही है और स्वर्णों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे लाठी खा के मरे, अब चाहे उधर से मरे, पर हटेंगे नहीं हटेंगे। जो मर्जी कर ले, फिर लाठियां खानी पड़े, जो मर्जी करना पड़े। अपने पूरे समाज के लिए क्या आपका संदेश है? समाज के लिए तो यही संदेश है कि अब तुम अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने राइट को लेकर अपने साथियों को बोले जागो, और जागना पड़ेगा सोर साथियों को अपने बच्चों के लिए। ऐसा थोड़ी है कि शोषण करते रहेंगे हमारा जिंदगी भर, मर रहे हम और सरकार ऊपर से मार रही है हमारे को। हम क्या चाहते हैं? 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 लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।